लाली दे खेतां च भूरे दा ट्रैक्टर पचाता किसी नूं पता तो नहीं लगा कि असीं भिजवाया है फट्टड़ हो जां थोड़ी खातर जूर मैं तां समुंदर पी के भी डकार ना मारा ये तां गल ही कुछ नहीं चंगा जा तू अपना काम कर ओ जी मैं हां मालको जरा की गल है हुन ओ जी मैं जेबां तां चार लुआई फिरदा है पर कोल इन्नी भी नहीं मेरे तेरा टेड़ कदी ना परेया हड़ आए फसलां तबाह होईयां उन्होंने मेरा इन्ना नुकसान नहीं किया जिन्ना तू मेरा लहू पीता है जनाब तुसी पैसे ही खब्बे हाथ नाल दन्ने हो मैं तो जो जो खाना है सुकदा ही जाना है देखो तेरी नीयत नहीं भरनी कुत्तिया आला हड्डी और सिटो ना मालको ये तो लक्ष्मी कुछ लोग जरूर सेल्फ सफिशियंट हो गए हैं बिजली पानी घर दवा कानून शिक्षा कौन सी चीज है जो आम आदमी को नसीब हो गई है 60% लोग अभी भी गरीबी की लाइन के नीचे हैं और वो सिर्फ गरीब ही नहीं बदनसीब भी हैं 40 साल से ऊपर हो गए आजादी मिले हुए आधी सदी हाफ अ सेंचुरी कब तक चाहते हैं इंतजार करें चीफ के ऊपर भी कोई है जो ये मूवमेंट चला रहा है कौन सी मूवमेंट यही देश की धर्म की इसे क्या कहेंगे आप देख बाबू जब किसी आदमी के साथ बेइंसाफी होती है ना और होती चली जाती है अकेले वो लड़ नहीं पाता तब वो अपनी तरह के और लोगों को इकट्ठा कर लेता है कभी मोहल्ले और शहर के नाम पर कभी जाति या धर्म के नाम पर देश नाम पर लेकिन उसकी लड़ाई होती उसी बेइंसाफी के खिलाफ है जब चाहो इतिहास उठाकर देख लो यही होता रहा है यही होता रहेगा तो फिर कानून किस लिए है कानून से कभी मसले हल हुए हैं सुनते हो ना इंक्वायरी कमीशन इंक्वायरी 10 साल 20 साल चलता रहता है तुम्हारा मतलब है ये जंग कभी खत्म नहीं होगी अभी तक तो नहीं हुई है मैं किसी आने वाली नस्लों के लिए नहीं लड़ रहा हूं